हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 15 वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे साइन फार्मूला। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इसमें ने एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लिया है। ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट स्मॉल बी और एंगल सी के अपोजिट स्मॉल सी और एक परपेंडिकुलर ए डी जो बी सी पर परपेंडिकुलर है। तो इसमें हम शुरू करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी यहाँ हाइपोटेन्यूस का वैल्यू जो है वो ए बी है, परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो ए डी है और बेस हमारे पास बी डी। तो एक फार्मूला है पंडित बद्री प्रसाद, दोबारा लिखते हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ साइन का वैल्यू पी अपॉन एच। तो यहाँ भी हम लिखते हैं साइन बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। तो यहाँ ए डी का वैल्यू हमारे पास आ गया ए बी साइन बी। तो ए बी साइन बी का वैल्यू हमारे पास यहाँ ए बी का लेंथ सी है तो सी साइन बी। तो ये नंबर वन इक्वेशन। तो ऊपर से इरेज कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो ऊपर से इरेज करने के बाद अब हम लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी सी। तो यहाँ साइन सी का वैल्यू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ हमारे पास ए डी है और हाइपोटेनियस हमारे पास यहाँ ए सी है। तो इसे भी रेज कर देते हैं हम। तो यहाँ हमारे पास ए डी का वैल्यू ए सी मल्टीप्लाई साइन सी। तो ए सी का जो लेंथ है हमारे पास बी है, बी मल्टीप्लाई साइन सी। तो यहाँ ए डी का वैल्यू बी साइन सी। ये नंबर टू, फ्रॉम वन एंड टू सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। तो इसे भी रेज कर देते हैं हम। तो यहाँ हम बी के नीचे साइन बी ले जाएंगे और सी के नीचे साइन सी। तो यहाँ बी अपॉन साइन बी। ये नंबर थ्री इक्वेशन है, तो नोट कीजिए इसको, ऊपर से इरेज कर रहे हैं इसको। सिमिलरली हम एक और रिलेशन लिखेंगे, सिमिलरली ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। तो ये जो रिलेशन हमारे पास थर्ड आया था इसे फोर्थ मान लीजिए, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो ये हमारे पास साइन का फार्मूला प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। इसे नोट कीजिए, तो इसे रेज करते हैं। आगे हम करेंगे कोसाइन फार्मूला। तो यहाँ लिखेंगे हम कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला में ट्रायंगल जो सेम है ए बी सी या ए डी परपेंडिकुलर, यहाँ स्मॉल ए यहाँ स्मॉल सी और यहाँ स्मॉल बी। तो ए डी जो है वो बी सी के परपेंडिकुलर दिया हमें। तो प्रूव करना है हमें कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन टू ए बी। तो अब सबसे पहले लेंगे हम ट्रायंगल ए डी बी। इन ट्रायंगल ए डी बी जो हाइपोटेन्यूस है वहाँ सी है, परपेंडिकुलर है हमारे पास ए डी
और बेस है हमारे पास यहाँ बी डी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहाँ है सी स्क्वायर, यहाँ पी का वैल्यू हमारे पास ए डी है, तो ए डी स्क्वायर प्लस बेस, बेस हमारे पास बी डी, बी डी का स्क्वायर। तो ये नंबर वन इक्वेशन है, नोट कर लीजिए इसको। आगे हम लेंगे यहाँ पर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी। तो यहाँ साइन सी का वैल्यू देखिए, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अभी करके हटे हैं पीछे, तो साइन सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी। तो यहाँ ए डी का वैल्यू हमारे पास ए सी साइन, ए सी साइन सी। तो यहाँ ए डी का वैल्यू, ए सी की वैल्यू यहाँ बी, तो बी साइन सी। तो यहाँ ए डी का वैल्यू हमारे पास बी साइन सी आ गया। तो ऊपर से इरेज कर रहे हैं इसको। तो अब देखेंगे हम यहाँ तो यहाँ हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे, हमें यहाँ बी डी चाहिए। तो बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस डी सी। तो यहाँ देखिए आप, बी डी इज इक्वल टू बी सी का लेंथ, बी सी का लेंथ ए माइनस डी सी, हमारे पास डी और डी सी। तो यहाँ हम डी सी मल्टीप्लाई, डी सी को ए सी से मल्टीप्लाई कर दिए, ए सी से डिवाइड कीजिए। तो नीचे रेज कर रहे हैं हम इसको। तो यहाँ डी सी अपॉन ए सी, तो यहाँ डी सी अपॉन ए सी, तो डी सी अपॉन ए सी। डी सी हमारे पास बेस है और ए सी हमारे पास हाइपोटेनियस है, तो ये हमारे पास कॉस सी आ जाएगा। एक्चुअली जो डी सी है वो बेस और ए सी है हाइपोटेनियस, तो बेस और हाइपोटेनियस है कॉस सी, पंडित बद्री प्रसाद वाले फार्मूले से आप देख सकते हो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू ए माइनस ए सी मल्टीप्लाई कॉस सी। तो ये नंबर थ्री इक्वेशन है, तो हम इसको फर्स्ट रिलेशन में पुट करेंगे। नोट कीजिए फर्स्ट रिलेशन को, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ हम नोट करेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का हमने वैल्यू निकाला है बी साइन सी, तो इसका स्क्वायर प्लस बी डी का वैल्यू निकाला है हमने ए माइनस ए सी का वैल्यू हमारे पास बी कॉस सी का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, तो इसे एक्सपेंड कीजिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी माइनस 2ab cos c। इसे यहाँ तक नोट कीजिए, तो ऊपर से इरेज कर रहे हैं इसको। तो यहाँ 2ab cos c को शिफ्ट कीजिए, यहाँ 2ab cos c इज इक्वल टू बी स्क्वायर साथ साइन स्क्वायर c प्लस कॉस स्क्वायर c प्लस ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर शिफ्ट होके माइनस सी स्क्वायर, तो इसे रेज कर रहे हैं हम। तो टू ए बी कॉस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी का वैल्यू वन प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ कॉस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, हेंस प्रूव्ड। सिमिलरली आप